कोरोना वायरस के ताजा तूफान ने देश के स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोल दी है। देश के अधिकतर हिस्सों में अस्पतालों के बाहर भीड़ है, बेड्स की कमी है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो बन गई है वो ऑक्सीजन की किल्लत है। दिल्ली हो या लखनऊ, ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर हर जगह मारामारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तालकटोरा के पास ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर आम लोगों की भीड़ है। यहाँ लोग दूर दूर से ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवाने आए हैं क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है और परिजनों को मरीजों के लिए खुद ही ऑक्सीजन लाना पड़ रहा है। लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अब 3 ऑक्सीजन कैप्सूल को भेजा जाएगा। इन कैप्सूल को मालगाड़ी के जरिए भेजा जाना है। लखनऊ के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन ना होने के कारण मरीजों को घंटा इंतजार करना पड़ रहा है और इलाज के लिए तड़पना पड़ रहा है। कई अस्पतालों में किल्लत के बाद मरीजों के परिजनों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। यही वजह है कि परिजन इधर से उधर सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए दौड़ रहे हैं। ऑक्सीजन लेने पहुंचे लोगों ने बयां किया दर्द। रिफिलिंग सेंटर पर पहुंचे लोगों का कहना है कि अस्पताल वाले सीधा ही मना कर रहे हैं और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन ला पाए तभी अस्पताल में मरीज को एंट्री मिल पाएगी। ऐसे में लोगों को लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में घूमना पड़ रहा है और ऑक्सीजन भरवाना पड़ रहा है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।